हेलो एवरीवन, आई एम आकाश और वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, दोनों लैंग्वेज में नोट्स दूंगा। नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाइएगा, वहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पर आपकी क्वेरी मैं सॉल्व कर दूंगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, दोनों में समझाऊंगा, दोनों में नोट्स आपको दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पूरा वीडियो देखना, मेरा प्रॉमिस है, पूरा वीडियो देखो, एंड तक देखो, वीडियो देखो, समझो, ना समझ में आए मेरी गारंटी पूरा समझ में आएगा। हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा बताऊंगा, सर्कुलेशन बताऊंगा, सारी चीज़ें वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, चेंबर्स वगैरह जनरल क्या क्या सारी ओवरऑल एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। स्टार्ट करता हूं मैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बॉडी। देखो सिंपल बात है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी मैं कहूंगा, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, सिंपल बात है, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सर्कुलेशन करवाता है। किसका सर्कुलेशन करवाता है? ब्लड का। ये क्या करता है? हमारे शरीर में ब्लड को सारी बॉडी तक सेंड करता है, ठीक है। हम इसको एक बोल सकते जनरेटर है, ठीक है। जैसे खेतों में जनरेटर नहीं लगा होता, ये पंपिंग का काम करता है, पंप करता है, प्रेशर देता है। सिंपल बात है, इसका कोई काम नहीं है, ये खाली आपके जो ब्लड है उसको प्रेशर देता है। प्रेशर क्यों देगा? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी तक अगर आपको ब्लड को सेंड करना है तो एकदम प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर देता है सर्कुलेटरी सिस्टम भी, इसे कहा जाता है। आगे बढ़ता हूँ। दिस सिस्टम हैज मेनी ब्लड वेसल्स आर्टरी एंड वीन्स। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यह सिस्टम कई भागों से मिलकर बना होता है, जैसे कि धमनी, शिरा, रक्त और हृदय। सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? अच्छा, क्या क्या चीज़ें होती है? ब्लड होता है आपका, ठीक है। ब्लड के बाद क्या क्या होता है? ब्लड के बाद सिंपल आपकी चीज़ होती है वीन्स, आर्टरी। देखो आर्टरी और वीन्स, धमनी और शिरा में अंतर ऑलरेडी आप 12th क्लास में 12वीं में अगर आप बायो से पास आउट है वो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि धमनी और शिरा मीन्स आर्टरी और वीन्स में क्या क्या डिफरेंट होता है। देखो दो वर्ड हमेशा आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आर्टरी, दूसरा है वीन्स। आर्टरी और वीन्स में एक मेजर डिफरेंट होता है, क्या होता है? आर्टरी जो होती है मोटी होती है और ये हृदय से, लाइन को समझना, आर्टरी यानी कि धमनी जिसे हिंदी में कहते हैं, यहाँ हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर सभी भागों तक जाती है। फिर से रिपीट करता हूँ, उस लाइन को थोड़ा सा फोकस करना, मैं इसलिए इतना आपको वो बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर्टरी जिसे हिंदी में धमनी कहते हैं, यह हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर पूरी बॉडी तक जाती है, ये होती है आर्टरी। अब बताता हूँ वीन्स। वीन्स पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है। समझे आप इस पॉइंट को कि जो वीन्स है जिसे हिंदी में हम शिरा कहते हैं, वो संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड और शुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड। देखो जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती हो उसे हम लोग कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर है? तो आर्टरी मोटी होती है और ये हृदय से जाती है शरीर तक, शरीर से हृदय तक नहीं आती है, जो शरीर से हृदय तक आती है उसे वीन्स कहूँगा, और जो शरीर से हृदय से शरीर तक जाती है उसे कहूँगा आर्टरी। सिंपल बात समझ में आई कि आर्टरी के द्वारा शुद्ध यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर तक भेजा जाता है और शरीर से फिर डी ऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाया जाता है, फिर हृदय से फेफड़ों में जाता है, फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, फिर हृदय में आता है, सारी सर्कुलेशन आगे क्लियर करूंगा। बस वीन्स और आर्टरी में मैंने एक चीज आपको क्लियर कर दिया है कि एक्चुअल में आपका वीन्स क्या है और आपका आर्टरी क्या है। आगे बढ़ता हूं, डायग्राम देख लो थोड़ा सा। देखो भैया ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, सिंपल बात है ये आपका हार्ट का डायग्राम है, ये है आपकी वीन्स,
ये आर्टरी रेड कलर की जो है ना, ये आर्टरी होती है और वेन्स हमेशा नीले कलर की होती है। ये देखो, शरीर से ब्लड को लेके आ रही है हृदय तक, फिर हृदय से लंग्स में जा रहा है ब्लड, ऊपर देखो लंग्स, फिर लंग्स के बाद वापस रिटर्न होके हार्ट में आ रहा है, फिर हार्ट से प्रेशर से वापस। ऐसे नलियों का सिस्टम, ऐसे नलिकाओं का सिस्टम होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं आपको। अब ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरी और वेन्स होती क्या है समझो। ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट अ ब्लड इन बॉडी, सिंपल बोल रहा है कि रक्त वाहिकाओं के द्वारा रक्त का परिवहन में मदद करती। जो रक्त वाहिका है यानी कि जो कैपिलरीज है ना, जो वेन्स और आर्टरीज है ना, ये आपके ब्लड को परिवहन करवाती है, मदद करती है। ब्लड वेसल्स ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अ इम्पोर्टेंट, समझना, ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू। सिंपल बात है कि रक्त वाहिका कई पोषक तत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मान लीजिए मेरे ब्रेन को, समझना आप, मेरे ब्रेन को चाहिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मुझे उसे एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। कहाँ से मिलेगा पोषण, कहाँ से मिलेगा, बॉडी से मिलेगा। पहले मैं खाऊंगा तभी तो मेरे ब्रेन में जाएगा ना, मैंने बादाम खाऊंगा, अखरोट खाऊंगा, मेरे शरीर में गया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद कहाँ चला गया, वो मेरे सर्कुलेशन में चला गया, सर्कुलेशन यानी कि वेन्स और आर्टरी में आ गया, वहाँ से वो चला जाएगा हार्ट में। अब हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, प्रेशर देगा, फिर वो घूम के मेरे ब्रेन तक जाएगा। तो ये ले जाने का काम कौन करता है, सिंपली आपका करती है ब्लड वेसल्स यानी कि वेन्स और आर्टरी। वेन्स और आर्टरी को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स यानी कि नलिकाएं, नलिया। क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं। ये पोषक तत्वों का ट्रांसफर करती है। ब्लड वेसल्स ऑल्सो रिमूव अ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड अ बॉडी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना, रक्त के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्या मतलब, देखो आपने सांस लिया, रेस्पिरेशन किया, आपके शरीर में ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पर हमारे लिए यूज़फुल क्या है, ऑक्सीजन हमें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज़ नहीं है। तो वेस्ट प्रोडक्ट है वो, हमारे शरीर का क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को मुझे शरीर से बाहर निकालना, किसके थ्रू निकालूंगा, रेस्पिरेशन के थ्रू निकालूंगा। पर रेस्पिरेशन करने के लिए भी सर्कुलेशन होना चाहिए, अगर हार्ट नहीं है तो लंग्स क्या कोई मतलब नहीं है उसका। तो हार्ट पहले पंप करेगा, ब्लड को लंग्स तक पहुंचाएगा, फिर वहां से चेंज। तो सिंपल बात याद रखना कि भैया जो ब्लड वेसल से आर्टरी और वेन्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, हार्ट अधूरा है आर्टरी और वेन्स के बिना। ठीक है, क्योंकि जब तक नलियां नहीं जोड़ोगे, जब तक एक जनरेटर में आप पाइप नहीं जोड़ोगे, जनरेटर का कोई यूज नहीं होता है। क्लियर है, तो आर्टरी एंड वेन्स इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी है, करती है शरीर को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव करती है। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो आर्टरी क्या होती है, अभी समझा दिया है आर्टरी, पर फिर भी एक आपको नोट्स के लिए मैं बता देता हूं। आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी मैंने आपको बताया था कि धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर तक लेकर जाती है। देख लो भैया डायग्राम, अभी बताया ये रहा आपका हार्ट, हार्ट ने क्या करा, इसको शुद्ध रक्त दिया, लाल कलर में ज़्यादा ऑक्सीजन है। क्लियर है, यहाँ से ट्रांसफर हुआ, ये शरीर में गया, शरीर ने यूज़ किया, फिर वेन्स के द्वारा बाहर आए। ठीक है, समझ में आए। तो याद रखना, धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त को हृदय के संपूर्ण शरीर के भागों तक पहुंचाया जाता है। आर्टरी कैरी या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। वेन्स क्या होती है, सिंपल, इट कैरी या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी मैंने पहले रिपीट किया था, ऑक्सीजनेटेड, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त की अब बात करता हूं जो कि वेन्स में होता है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू एंड सेंट ऑल ब्लड। मेरे जो टिश्यू है, मैं रनिंग कर रहा हूँ, मेरे शरीर की ऑक्सीजन खत्म हो गई है, उसे यहाँ पे ऑक्सीजन, मेरी जो थाई की मसल है थक जाती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको नहीं मिल पा रही है, थक गई, तो उसके अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करना पड़ेगा ना मुझे। तो वो कौन लाएगी, वहाँ से पतली पतली कैपिलरी निकलेगी, फिर मोटी हो जाएगी, तो वेन्स हो जाएगी। ये आके यह अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है और हृदय के द्वारा फिर फेफड़ों में जाता है, फिर फेफड़ों के द्वारा वो वापस, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, फिर हृदय में आता है, फिर हृदय पंप करता है, फिर शरीर में भेज दिया जाता है। समझ में आया आपको आर्टरी और वेन्स में डिफरेंट, कि जो भैया वेन्स है वो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड को। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से।
हार्ट। अब आता है मेनली आपको समझना हृदय की संरचना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों मिक्स बताऊंगा, ठीक है, डायग्राम भी बताऊंगा, नोट्स भी समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक, वो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को मैं। हार्ट, हृदय जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या होता है, इसकी सारी संरचना पार्ट समझेंगे। हार्ट इज अ मस्कुलर होलो ऑर्गन दैट पंप अ ब्लड। सिंपल बात है कि हृदय एक प्रकार का खोखला अंग होता है, इसका मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त को पहुंचाना होता है, ठीक है। होलो ऑर्गन है, आप देखोगे अंदर से कांटो खाली है, होलो है, तभी तो उसमें ब्लड भरता है फिर पंप करता है। तो होलो यानी कि हमारा जो हृदय है एक खोखला अंग है, होलो ऑर्गन है। मस्कुलर, मस्कुलर का मतलब होता है स्पंजी, जिसे ऐसे दबा सके, उसे हम मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। आगे बढ़ता हूँ, लेंथ, कुछ क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट, लंबाई इसकी लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती, जो लेंथ होती है लॉन्गिट्यूडनल होता है उसका 10 सेंटीमीटर होता है, याद रखना। वेट, मेल में वेट कितना होता है 310 ग्राम, फीमेल में कितना होता है 225 ग्राम, लगभग 1-2 ग्राम, 3-4 ग्राम, 5-6 ग्राम आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसी हेल्थ है, कैसा हार्ट है। तो देखो 2-3 ग्राम 4 ग्राम का अंतर रहता है हर एक पर्सन में रहता है, मेरा हार्ट का वेट कुछ और होगा, आपके हार्ट का वेट कुछ और होगा, तो डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ 200-250 ग्राम का अंतर आ गया, इतना नहीं, केवल 1-2 ग्राम 3-4 ग्राम का डिफरेंट रहता है। तो एक क्राइटेरिया फिक्स है कि जो वेट होता है मेल में कितना होता है 310 ग्राम, यानी पुरुषों के अंदर 310 ग्राम हृदय का वजन होता है, जबकि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के अंदर 225 ग्राम के समथिंग जो हार्ट है उसका वजन होता है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये जनरल आप याद रखिएगा कि हार्ट का कितना वजन है, कितनी लेंथ होती है, 10 सेंटीमीटर तक समथिंग लेंथ होती है। आगे बढ़ूँ, लेयर ऑफ हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, क्या होता है लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट की कितनी परतें हैं। देखिए पेरिकार्डियम, सब ये याद रखना, ये कंपटीशन में या और अदर आपकी नर्सिंग पीएमएलटी डीएमएलटी पैरामेडिकल किसी भी फील्ड से हो आप लोग पढ़ रहे हो, आपको इंपॉर्टेंट है लेयर। पेरिकार्डियम, पेरी मतलब पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब सुपरफिशियली, सुपरफिशियली मतलब ऊपर की तरफ, जो सबसे बाहरी परत हृदय की होती है उसे पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इट इज़ अपर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, सिंपल बात है, अभी बताया कि यह हृदय की सबसे ऊपरी परत होती है। देखो डायग्राम देख लो, ये आपका हार्ट है और हार्ट के ये जो बाहर वाली जो आपकी परत जो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये वाली जो परत होती है इसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का मतलब पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब सुपरफिशियली, सुपरफिशियली मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। पेरिकार्डियम हैज़ टू पार्ट, पेरिएंटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। देखो पेरिकार्डियम जो ऊपर वाली लेयर रहती है ना, उसके भी दो भाग होते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम के दो भाग में विभाजित किया गया है, पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। देखो डायग्राम में आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपकी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मतलब ऊपर वाली लेयर भी दो, अंदर जो देखो विसरल पेरिकार्डियम जो कि पेरिकार्डियम के हल्की सी अंदर की तरफ है, उसे विसरल पेरिकार्डियम और पेरिफेरल पेरिकार्डियम, ऊपर जो है उसे पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब ऊपरी, विसरल मतलब पेरिफेरल के हल्की सी अंदर एक पतली झिल्ली होती है, पतली सी परत होती है, उसे हम कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। आई होप कि आपको लेयर समझ में आई होगी फर्स्ट वाली, कि पेरिकार्डियम ऐसी लेयर है, सिंपल लैंग्वेज में याद रखना अगर आपसे कोई पूछे, पेरिकार्डियम एक ऐसी लेयर है जो कि हृदय के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है, दो भागों में विभाजित रहती है, पेरिफेरल पेरिएंटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, विसरल मतलब जो अंदर वाली झिल्ली है उसको कहेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से सेकंड जो लेयर आती है आपकी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होती है, पेरिकार्डियम के अंदर वाली लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम इज अ मिडिल लेयर ऑफ हार्ट विच इज मेड अप कार्डियक मसल फाइबर, समझना कार्डियक मसल फाइबर, बताता हूँ। पेरिकार्डियम मायोकार्डियम बीच वाली एक लेयर होती है, यह कार्डियक मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। फाइबर एक प्रकार का प्रोटीन है, अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे साथ। फाइबर जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, इसे धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि भैया आप एक बात समझो, आप किसी बलून में पानी भर रहे हो, ज़्यादा भर गया, ज़्यादा प्रेशर आ गया तो वो तो फूट जाएगा ना। यहीं पर अगर मैं आपको बात करूँ बॉल की, जो अपन बॉल खेलते हैं पॉलीबॉल, उसको जरा ज़्यादा हवा भर दो,
फूटेगी क्या इतनी आसानी से? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर लेयर होती है, फाइबर की लेयर होती है, अपन नॉर्मली बना देते हैं उसको। इसी तरह से जो आपका हार्ट है, जो हृदय है, उसके अंदर जो मिडिल वाली लेयर है उसमें एक फेंसिंग की हुई है, तार फेंसिंग एक समझ लो आप। उसमें तार फेंसिंग का मतलब होता है कि वहाँ पे एक थ्रेड लाइक तार का स्ट्रक्चर है जिसे फाइबर प्रोटीन कहते हैं। हार्ड है जो हार्ट को अच्छा मजबूती देता है, ऐसे पंप करता है ना हार्ट तो उसे फूटता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। मायोकार्डियम बीच वाली लेयर होती है आपकी, ये कार्डियक मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है, मसल फाइबर से। ठीक है, और इनमें जो मसल्स होती है ना, वो कौन सी मसल होती है? अगर आपको मेरा मसल वाला वीडियो नहीं देखा हो तो, इसके अंदर जो मसल्स होती है वो होती है इनवॉलेंटरी मसल। दो प्रकार की मसल पढ़ाई थी मैंने, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मतलब हमारे हृदय को हम हमारे हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ कि मेरा हार्ट अभी पंप करे तो पंप करे, मैं बोलूँ रुक जा, ऐसा होता है कि कभी नहीं? क्योंकि उसमें इनवॉलेंटरी मसल्स होती है, वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन के थ्रू ऑटोमेटिकली ही वो पंप करता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, ये जो लेयर होती है ना मायोकार्डियम, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है पंप करवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सी मसल है? इनवॉलेंटरी मसल है। उसमें नर्व फाइबर है, वो जो कनेक्टेड है हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो नर्वस सिस्टम पे ही आने वाला है। ठीक है, मायोकार्डियम समझ आया? तो दो लेयर है आपकी, एक पढ़ाई मैंने पेरिकार्डियम, एक पढ़ाई मैंने आपको मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम ऊपर वाली लेयर, मायोकार्डियम बीच वाली लेयर। उसके अंदर वाली लेयर होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, यह हृदय की सबसे आंतरिक परत होती है। देख लो डायग्राम में, ये वाली दिख रही है आपको, ये तो थी मायोकार्डियम जो अभी बताई ना, मायोकार्डियम बीच वाली। ये अंदर वाली लेयर है एंडोकार्डियम, जो कि सबसे अंदर होती है, इसे एंडोकार्डियम। तो याद रखना, हृदय में तीन प्रकार की लेयर पाई जाती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम सबसे ऊपर होती है, मायोकार्डियम बीच में होती है, एंडोकार्डियम सबसे अंदर होती है। क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है यार। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, आप लोग सब लोग देख रहे हो, कमेंट यार प्लीज़ आपका फीडबैक जरूर मुझे दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चेंबर्स ऑफ हार्ट, अब समझते हैं हृदय के चेंबर जो कि खाली एरिए होते हैं, कमरे होते हैं, कितने होते हैं? चार होते हैं। हार्ट हैज़ फोर चेंबर, टू एट्रियम, टू वेंट्रिकल। देखो दायालिंद, बायालिंद हिंदी में मैं नहीं करूँगा, हिंदी में मैं नॉर्मली आपको चेंबर्स के नाम से ही पुकारूंगा। हृदय में चार भाग होते हैं, दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, बोल रहा है हृदय चार भागों में विभाजित है, दो एट्रियम, दो वेंट्रिकल। जरा डायग्राम देखो एक बार, ऊपर वाले जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। जो हार्ट के नीचे की साइड पे होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है, जो ऊपर की साइड पे होते हैं उन्हें एट्रियम कहा जाता है। राइट वाले को राइट एट्रियम, लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो सीधी तरफ होगा उसे राइट, जो उल्टी तरफ होगा उसे लेफ्ट। दाहिना और बाइना के नाम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हार्ट हैज फोर चेंबर, हृदय में चार चेंबर होते हैं, दो एट्रियम, दो वेंट्रिकल्स होते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। टू एट्रियम प्रेजेंट अपर साइड ऑफ हार्ट, बोलना चाहता है कि दो एट्रियम हृदय के ऊपरी भाग में होते हैं। एट्रियम कहां पे स्थित है? ऊपर की साइड पे, अपर साइड पे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। टू वेंट्रिकल प्रेजेंट लोअर पार्ट ऑफ हार्ट, जो वेंट्रिकल्स है वो आपके हृदय के नीचे की ओर स्थित है। क्लियर है? समझ में आया आपको? हृदय वेंट्रिकल्स जो होते हैं नीचे के दो होते हैं, देखो दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है आपको? इसे समझ में आए कि आपके हृदय को चार भागों में विभाजित किया गया है। नाम थोड़े से याद कर लेना, लिखते चलिएगा यहाँ से साथ साथ में, एट्रियम वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रियम दो होते हैं, वेंट्रिकल्स भी दो होते हैं, एट्रियम ऊपर होते हैं, वेंट्रिकल नीचे होते हैं। राइट वाले को राइट एट्रियम, लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अभी तक मैंने आपको तीन चीज बताई, आप लोग भूलिएगा मत, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने आपको हार्ट की लेयर के बारे में बताया, पहले आर्टरी और वेंस समझाई, फिर लेयर के बारे में बताया, फिर मैंने हार्ट के चेंबर्स के बारे में बताया। अब कुछ और नई डिटेल देखते, आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। सुपीरियर वीना कावा, अब आती है वीन्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट हार्ट के अंदर सारे पार्ट एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। सुपीरियर वीना कावा क्या होती है? इट इज अ इंपॉर्टेंट वीन विच इज कनेक्ट टू द राइट एट्रियम। बोलना चाहता है यह हृदय की एक महत्वपूर्ण वीन होती है, यह हृदय के दाएं एट्रियम में स्थित होती है।
ठीक है, दाया राइट वाला, ठीक है, राइट एट्रियम में, ये ऊपर जो आपको एक नली, देखो वेन्स अभी बताया था नीले कलर की होती है क्योंकि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है। ये वाली जो वेन्स आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में यहाँ पे, आई होप कि आपको क्लियर दिखा पाऊंगा मैं, ये वाला जो एरिया है ना, ये वेन्स का, इस वाले एरिया, इस वाली वेन्स को मैं बोलूंगा सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की तरफ, सुपीरियर, इन्फीरियर मतलब इन मतलब लोअर साइड पे, ठीक है। दो प्रकार की वेन्स है, इंपॉर्टेंट है, मैं इतना गौर से इतना फोकस इन चीज़ों पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग याद रखोगे आपको इजिली समझ में आ जाएंगे। सुपीरियर वीना कावा, देखो सुपीरियर वीना कावा या हृदय का महत्वपूर्ण वेन होती है जो कि हृदय के दाएं एट्रियम में जुड़ती है। अभी एट्रियम बताया, ये रहा आपका राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से जुड़ी हुई है, दिख रहा है आपको वेंस, ऊपर से डायरेक्टली वो राइट एट्रियम से यहां पे आपकी कनेक्टेड होती है। आगे बढ़ता हूं, इट मेन फंक्शन इज दैट, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन समझ लेना आप, इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ये हमारे शरीर के, हिंदी में देख लो, ये हमारे शरीर के ऊपरी भागों से अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय तक लाती है। थोड़ी सी रामायण को मैं पीछे लेके जाता हूँ, उसमें मैंने आपको बोला था कि वेन्स अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक लाती है, ठीक है, गॉट इट, इतना मैंने आपको बताया था। तो इसमें लिखा हुआ ये शरीर के ऊपरी भागों से, मैंने बोला सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा सदैव हमारे शरीर के ऊपरी भाग, जैसे कि ब्रेन हुआ, आईज, नोज, ईयर, माउथ, ये सारी जगह से अशुद्ध रक्त को खींच कर हार्ट तक लाती है, कौन, सुपीरियर वीना कावा। क्लियर है, ये रही राइट एट्रियम में अटैच रहती है। आगे बढ़ता हूँ, इन्फीरियर वीना कावा, इन्फीरियर का मतलब होता है लोअर, नीचे की तरफ जो होती है, अभी बताया सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा, इन्फीरियर जो नीचे रहे, कौन सी, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विच कनेक्ट टू द राइट एट्रियम, जो कि हमारे सीधे वाले हृदय से राइट एट्रियम से, वो भी एट्रियम से जुड़ी थी, ये भी एट्रियम से जुड़ी है। यह भी महत्वपूर्ण वेन होती है जो कि हमारे सीधे एट्रियम से जुड़ी होती है। देखो डाइक एक बार देख लो, ये रही थी आपकी सुपीरियर वीना कावा ऊपर वाली, ठीक है, अब मैंने बोला इन्फीरियर वीना कावा, ये रही आपकी इन्फीरियर वीना कावा, दोनों जो वेन्स है दोनों कनेक्टेड है राइट एट्रियम में, ठीक है। अब सुपीरियर वीना कावा ने क्या करा, ऊपर है तो ऊपर से ब्लड खींच के ले आएगी, ये नीचे है तो बेचारी नीचे से ब्लड खींच के लाएगी, क्लियर है। देखो इट कैरियर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट वेन्स तो कैरी अशुद्ध रक्त को ही लेकर आती है हृदय तक, ठीक है, कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के नीचे वाले भागों से अशुद्ध रक्त को लेकर आती है हृदय तक लेकर आती है, फिर पंप करता है, फिर बेचारा लंग्स के पास जाएगा, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है, दो चीज समझ में आई, एक होती है आपकी सुपीरियर या वेन्स है ना, वेन के बारे में बताया, सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा ने ऊपरी भागों से ब्लड लेके आई, इन्फीरियर वीना कावा नीचे वाले भागों से ब्लड लेके आई, कहां पर लेके आई, राइट एट्रियम में लेकर आई। क्लियर है, अब आगे बढ़ता हूं मैं आपको, पल्मोनरी आर्टरी, ये समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, कैसे काम करती है, देखो जरा डायग्राम में, आपको ये वाली जो बीच वाली जो एक आर्टरी दिख रही है ये हल्की नीले कलर की है। अब ये नीले कलर की क्यों है, देखो सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा ने जो ब्लड राइट एट्रियम में डाला था ना, वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में चला गया, इससे फिर वेंस में चला गया, तो इससे कुछ चीज़ समझ में आ रही है आपको, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, जबकि मैंने बोला था कि आर्टरी हमेशा शुद्ध रक्त लेती है, पर हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी धमनी, एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कि अशुद्ध रक्त को लेती है, एकमात्र, इसके अलावा सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेकर आएगी, पर ये वाली जो आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं आपको,
दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ आर्टरी विच इज अटैच टू द राइट वेंट्रिकल एंड इट अपर एंड डिवाइडेड इंटू टू वे विच इज कनेक्टेड टू द लंग्स। बोलना चाहता है यह विशेष प्रकार की आर्टरी या धमनी होती है जिसका निचला सिरा तो राइट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। ये जुड़ा हुआ है ना, नीचे जुड़ा हुआ है। ये वाली देखो कहां पे कनेक्टेड है, नीचे कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, जुड़ी होती है। और इसका ऊपरी सिरा दो भागों में विभाजित होता है जो कि लंग्स पे जाके जुड़ता है। ये दिख रहा है आपको, ये आपकी आर्टरी है, नीचे से कनेक्टेड है काई में, राइट वेंट्रिकल में कनेक्टेड है। ऊपर वाले भाग दो भागों में विभाजित है, दो हाथों में ऐसे चले जाएंगे हमारे, कहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे, सीधे बेचारे जाके जुड़ जाएंगे, राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स दोनों फेफड़ों से जाके जुड़ जाएंगे, फिर वहाँ से ब्लड फिर खींच के। तो ये याद रखिएगा, इट इज वन ऑफ द आर्टरी विच कैरी अ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी बताया था कि भैया ये केवल एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जो कि अशुद्ध रक्त को हृदय तक, हृदय से लेकर बाहर जाती है, ठीक है। जबकि मैंने बोला था आर्टरी जो कि धमनियां हृदय से ब्लड बाहर लेकर जाती है, हाँ लेकर तो जा रही है पर कौन सा, अशुद्ध रक्त। याद रखना ये बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जामों में पूछा गया है। आपको चीज़ ये क्लियर हुई होगी तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इतना चीज़ सब लोगों को क्लियर हुआ है या नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट। मैं सब लोग के कमेंट पढ़ूंगा, सब लोग की रिप्लाई करूंगा। जल्दी जल्दी आप लोग पहले मुझे कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इतना, ठीक है। जब आप लोग कमेंट करो, वीडियो को पोस्ट करो, कमेंट करके आगे बढ़ना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ अब आपके लिए। पल्मोनरी वेंस, अब देखो मैंने बोला पल्मोनरी आर्टरी तो आपको समझाई, अब पल्मोनरी वेंस भी होती है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस, ये क्या होती है, दिस वेन स्टार्ट फ्रॉम द वेंस। पल्मोनरी वेंस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये आपके लंग्स से शुद्ध रक्त को लेकर आती है, कौन, वेंस। अब देखो दो मिथ मेरे क्लियर हुए, पहले मैंने बोल दिया था आपसे कि भैया जो शिराए है अशुद्ध रक्त रखती है, आर्टरी शुद्ध रक्त लगती है, पर मैंने अभी बोला कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी धमनी है, अशुद्ध रक्त को लेकर गई थी, तो मैं गलत साबित हो गया, फिर से मैं गलत साबित हो गया। कहाँ पे मैंने बोला पल्मोनरी वीन्स, ये शिरा है फिर भी ये शुद्ध रक्त को लेकर आती है हृदय तक, समझ रहे हो बात को, ये हमारे लंग्स से खींच कर शुद्ध रक्त को लेकर हमारे हृदय तक लाती है। दिस वेन स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स, ये हमारे हृदय लंग्स से फेफड़ों से चालू होती है लोअर एंड कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। यह वेन फेफड़ों से चालू होती है और ये नीचे वाले हिस्से हृदय के वाले एट्रियम तक, देखो ये आपको दिख रहा है डायग्राम, ये रही आपकी पल्मोनरी वेन, ये कौन सी थी, पल्मोनरी आर्टरी, इधर कौन सी, ये जो छोटी छोटी दिख रही है दो आपको, ये आपकी होती है पल्मोनरी वेन्स, जो कि ऐसे जाएगी सीधे फेफड़ों से जाके जुड़ जाती है आपके, फेफड़ों से फिर ब्लड लेकर आती है, कौन सा ब्लड, शुद्ध रक्त। तो दो चीज़ याद रखना, हमारे शरीर में एकमात्र धमनी मतलब आर्टरी ऐसी होती है जो अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी शिरा माने वीन्स होती है जो कि शुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ मैं आपको। आयोटा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आयोटा, आयोटा सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है जो कि शुद्ध रक्तों को हमारे संपूर्ण शरीर तक भेजती है। देखो दिस इज लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी विच इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम। देखो लार्जेस्ट आर्टरी होती है लेफ्ट एट्रियम में कनेक्टेड होती है। डायग्राम देखो यहाँ पे, ये आपका एट्रियम है, यहाँ पे देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में कनेक्टेड है एट्रियम और वेंट्रिकल से यहाँ पे कनेक्टेड है, जबकि वेंट्रिकल से ब्लड ये वाली जो है ना ये आयोटा है, ये पूरे शरीर में नीचे भी निकली हुई है, यहाँ से लाएगी रक्त, ये ऊपर भेज देगी, ये नीचे सेंड कर देगी। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ। ये कनेक्टेड रहती है लेफ्ट एट्रियम मतलब वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहती है, वहीं पर आपकी है, ठीक है। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बोलना चाहता है यह शुद्ध रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर तक लेकर जाती है। देखो ये बड़ी सी आर्टरी आपको दिख रही है जो आपका हार्ट है, ये रेड कलर की, ये आपकी आयोटा है, ये आयोटा आपके संपूर्ण शरीर पूरी बॉडी में ब्लड को सेंड करने का काम करेगी। आगे बढ़ता हूँ मैं।
एसए नोड सबसे इम्पोर्टेंट। अब ये आपका जो हृदय ना, आप बोलोगे सर हार्ट तो पंप कर रहा है पर क्यों कर रहा है, क्या कारण है पंप करने का? एसए नोड, एसए नोड को बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। ये क्या होता है, ठीक है, देखो एसए नोड इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट बिकॉज इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स 100 इम्पल्स पर मिनट। हिंदी में देखो यह हृदय का पेस मेकर भी कहा जाता है एसए नोड को, क्योंकि यह विद्युतीय ऊर्जा बनाता है और ये हृदय को संकुचन एवं शीतलन में मदद करती है। आपका जो हार्ट है ना पंप करता है क्योंकि आपके यहाँ पे हृदय में एक ऐसे नोड होता है। कहाँ पे होता है, लोकेशन देखो, इट इज़ लोकेटेड वॉल ऑफ राइट एट्रियम, यह हृदय के दाएं तरफ वाले एट्रियम में जुड़ा रहता है। डायग्राम देखो, ये रहा आपका राइट एट्रियम, यहाँ पे कनेक्टेड है आपका, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये ऊपर वाला आपको, ये होता है एसए नोड। एसए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड। ये विद्युतीय ऊर्जा बनाता है, कितनी ये भी याद रखना, 100 इम्पल्स पर मिनट, 100 इम्पल्स 100 बार शोक देता हृदय को एक मिनट के अंदर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको कहीं कहीं पूछा जा सकता है कॉम्पिटिशन में, वाइवा वगैरह में, कि आपका जो हृदय का जो एसए नोड है एक मिनट में कितने सिग्नल जनरेट करता है, 100 सिग्नल को इंपल्स को ये प्रोड्यूस करता है। ऐसे नोड समझ में आया। अब आते हैं एवी नोड के ऊपर, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये क्या करता है देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड पेस मेकर ऑफ हार्ट, इट इज लोकेटेड लोअर साइड ऑफ सेप्टम ऑफ हार्ट। बोलना चाहता है यह भी हृदय का दूसरा महत्वपूर्ण पेस मेकर होता है, ये हृदय के निचली भाग में स्थित होता है। देखो ऐसे नोड देखा आपने, साइनो एट्रियल नोड, ये रहा है एवी नोड। ये कहाँ कनेक्टेड है, लोअर पार्ट वाला आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाले सेप्टम में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपका जो सेप्टम है ना, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, जबकि निकला तो इधर है पर ये कनेक्टेड कहाँ है, सेप्टम में। सेकंड पेसमेकर होता है जो विद्युतीय ऊर्जा जनरेट होती है इसको रिफ्लेक्ट करता है वो, ठीक है। तो याद रखना ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड साइनो वेंट्रिकुलर नोड, ये दोनों ही नोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। तो ये पार्ट वाला वीडियो है ना यहाँ पे मैं आपको खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। एक वीडियो और आएगा इसका, अभी तो मैंने आपको पूरा हृदय का संरचना पार्ट समझाया है, अब मैं आपको सर्कुलेशन वाला एक वीडियो बनाऊंगा, आपको कल या परसों तक वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, उसमें ब्लड का कैसे सर्कुलेशन हो रहा है सारी चीज़ें, साइकिल डिस्कस करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी वीडियो जरूर देखना। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मेरी, इंस्टाग्राम पे आप मुझे क्वेरी के लिए वहाँ से कर सकते हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।